नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। चलिए रुक करते हैं इस खबर की ओर। गुजरात में मोरबी में हुए हादसे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी नदियों की स्थिति और पुलों के चेक करने के आदेश दिए गए हैं। औरैया जिले के यमुना जी का पुल जो कि जालौन जिले को जोड़ता है, बीच में रेलिंग टूटी होने पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राहगीरों का कहना है कि यह काफी दिनों से टूटा हुआ है, वहीं बड़ी संभल कर हम सबको जाना पड़ता है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से औरैया जनपद जालौन जनपद को जोड़ने वाला यमुना नदी का पुल की रेलिंग टूटी हुई है। वहीं औरैया फफूद रोड पर पदीन के पास सेंगू नदी के पुल की रेलिंग भी टूटी हुई है, जहां पर बचाव को लेकर मिट्टी की बोरी रखी गई है। कहीं कोई हादसा ना हो जाए, वहीं निकलने वाले लोगों की माने तो रेलिंग टूटी हुई है, जरा सी असावधानी होने पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं जिला अधिकारी पीसी श्रीवास्तव ने सभी विभागों को आदेश जारी किए हैं कि तत्काल सभी पुलों और पुलियों का निरीक्षण किया जाए। अगर मरम्मत होने लायक है तो तत्काल मरम्मत करवाई जाए। वहीं अगर कोई ज्यादा जर्जर हो गई है, चाहे वो छोटी पुलिया क्यों ना हो, उसे तत्काल आवागमन के लिए रोक दिया जाए और दूसरी तरफ से आवागमन शुरू कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। शासन ने ये अपेक्षा की है कि सभी जनपद इसको देखवा लें, जब किसी भी विभाग के द्वारा, चाहे RES के द्वारा, सेतु निगम के द्वारा या PWD के द्वारा, जो बड़े पुल, छोटे पुल या छोटे पुलिया भी बनवाई गई है और वो वर्तमान में किस हालत में है, इसका निरीक्षण कर लिया जाए। अगर कोई उसमें रिपेयरिंग है तो उसको तत्काल किया जाए और ये ध्यान रखा जाए कि कोई घटना दुर्घटना न होने पाए। अगर कोई पुल या पुलिया या बिल्कुल ही जर्जर हो गया और ऐसा लग रहा है कि इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसकी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करते हुए उसका भी एस्टीमेट बना के शासन को दिया जाएगा। मैंने इस विषय में सभी जितने लोग इस तरह के काम करते हैं, PWD है, सेतु निगम है, RES है, सबको मैंने निर्देश निर्गत कर दिए हैं और एक हफ्ते में हम रिपोर्ट मंगा के शासन को भी प्रेषित करेंगे। क्या करते हो? ऑटो चलाते हो। ये रेलिंग टूटी है, कौन सी पुल की है? कहाँ से कहाँ जोड़ता है पुल? और यह जालौन जोड़ता है। किस तरीके से दिक्कत का सामना करना पड़ता है? और ये टूटी जो पड़ी हुई है रेलिंग, इससे कहाँ खड़े हैं? क्या नाम है आपका? संतोष कुमार शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? कुठौंद। कुठौंद के रहने वाले जी। ये पुल कहाँ से कहाँ के लिए जोड़ता है? रेलिंग से क्या दिक्कत आ रही है इसमें? यमुना जी के पुल कभी भी घटना हो सकती है, रेलिंग से कोई भी वाहन आए और किनारे हो सकता है, रेलिंग से घटना ही तो होती है आजकल। गड्ढा मुक्त, गड्ढा भी नहीं हो रहे रोड के, बराबर ऐसे ही है। काफी दिनों से ऐसी दिख रहा है। यहाँ रेलिंग टूटी हुई किस तरीके से देखते हैं? सर बहुत दिक्कत होती है यहाँ, कंप्लेन कोई सुनाई नहीं हो रही है, रेलिंग से बड़ी तकलीफ होती है। ये कौन सा पुल है? यमुना जी का पुल है। अच्छा, यमुना जी का पुल है। ये कहाँ कहाँ जोड़ता है? ये मतलब पूरे जालौन पे और एक जगह टूट रही है। का गुप्ता विकास जी, आप इसमें कहाँ खड़े हैं? हम ये यमुना पुल पे खड़े हैं, जो औरैया और जालौन को जोड़ने वाला पुल है। ये काफी लंबा है लेकिन इसकी रेलिंग टूटी हुई है कई समय से, लेकिन इस पर प्रशासन कभी ध्यान नहीं देता है और इस पर गड्ढे भी बने हुए हैं लेकिन ध्यान देने का कोई उचित ही नहीं है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना कभी भी कोई हादसा हो सकता है, बड़ा हादसा।